उत्तर प्रदेश पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2021। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज जो भर्ती आई हुई है वो उत्तर प्रदेश में GDS का नया नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो दोस्त मेरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ऑफिशियल जॉब की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में या बाहर के भी, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, उस ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी जानकारी पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन की एजुकेशन डिटेल सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप मुझे जरूर बताना कि आप उत्तर प्रदेश के किस एरिया से, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कमेंट करके बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें किस जोन में अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर यूपी पोस्ट ऑफिस उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्किट में जो वैकेंसी आई हुई है उनके बारे में, अब मैं थोड़ा सा नीचे लेकर चलता हूँ, यहाँ पर आ जाइए दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको पोस्ट और इसमें GDS की वैकेंसी होगी, तो इसमें कितनी आपको यहाँ पर लेटेस्ट मिलेगी। लेटेस्ट न्यूज 11 नवंबर 2021 की है। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन नया आने ही वाला है। उसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे लेकर चलता हूँ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवा 2021 के लिए नया नोटिफिकेशन जो होगा नवीनतम है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे लेकर जाता हूँ यहाँ पर इसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों वैकेंसी जो आपको इसमें मिलने वाली है वो 5314 पोस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी यूपी पोस्ट ऑफिस GDS के लिए। अप्लाई करने के लिए आप इसे किसी भी प्रकार से यानी कि ऑनलाइन तरीके से इसे अप्लाई करेंगे, केवल और केवल ऑनलाइन तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। भारत की महिला और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल सभी प्रकार के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर पाएंगे बिना किसी झिझक के। ठीक है, इसमें आपको वैकेंसी जो मिलने वाली है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसमें वैकेंसी आपको यहाँ पर PWD के लिए भी मिलेगी, महिलाओं के लिए भी अलग से मिलेगी, पुरुषों के लिए भी अलग से मिलेगी, EVS के लिए भी इसमें वैकेंसी रखी गई है और SC ST के लिए भी रखी गई है। जो SC ST का कोटर, PWD का आपका रिजर्वेशन होगा वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे नीचे लेकर चलता हूँ, इसकी फुल डिटेल्स में आपको जो दिखाने वाला हूँ यहाँ पर देखिए। ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्किल होगा, पोस्ट का नाम ग्रामीण डाक सेवा, वरिष्ठ पोस्ट में आपको इसमें बता चुका हूँ कि 5000 के समथिंग इसमें, कैटेगरी आपका रिक्रूटमेंट होगा, जॉब लोकेशन आपका इंडिया में होगा यानी कि उत्तर प्रदेश के लगते हुए जिलों से। उसके नीचे थोड़ा अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसका लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, जैसे इसका लिंक एक्टिवेट होगा आपको उसमें पता लग जाएगा। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वैकेंसीज में रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि इसका जो है, इसमें एग्जामिनेशन के बारे में बताऊं कि सीधी भर्ती होगी, इसमें एग्जाम नहीं होता, इसमें केवल आपका मेरिट बेस पे ही चयन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका एडमिट कार्ड वगैरह फॉर्म को आपको भरेंगे, एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट लगेगा, शायद एक छोटा सा साक्षरता यानी कि इंटरव्यू भी हो सकता है, उसके बारे में भी आपको उसकी जानकारी तभी मिल जाएगी जब इसका नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।